देखो ये मान लो भैया, नमस्कार भाइयों। देखो पहला स्टेप होता है बकरी को डीवॉर्मिंग करके वैक्सीन करने का। तो डीवॉर्मिंग के 24 घंटे बाद आप वैक्सीन कर सकते हो। वैक्सीन के अंदर पहला स्टेप होता है पीपीआर, जो मैं आपको बता देता हूँ। आइए देखो, पीपीआर का मेन होता है कि वो टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर में रहना, बर्फ में रहे। और फ्रिज में रखो तो फ्रीजर में नहीं रखना है। ये देखो 2 CC आती है, ये एक पानी आता है, एक में आता है पाउडर फॉर्म। तो आपको मिला के इसमें लगाना है अच्छे से। पहले लिक्विड पानी ले लेना, पानी को सिरिंज से भरना। सिरिंज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? नहीं होगी तभी बेस्ट रहेगा इसका रिजल्ट। और ये इतना पानी ले लो, इसमें पाउडर फॉर्म में मिला के अच्छे से मिला के अपने आप सुई खींच लेगी। मतलब इसमें हवा नहीं होती अंदर, तो ये इसलिए ऐसे बिना हवा के होती है, तो हवा के संपर्क में आती है ये खराब हो जाती है। खराब मतलब ये वैक्यूम बना देता है, काम हो जाता है ना। तो इससे देखो इसमें अच्छे से इसको मिला के, मतलब अच्छे से पाउडर मिक्स हो जाए लिक्विड में, फिर वापस निकाल लेना। ज़्यादातर पीपीआर रक्षा का अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी चलता कोई दिक्कत नहीं, रक्षा कंपनी का अच्छा रहता है। अब इसमें अच्छे से मिल गया, अब इसको वापस से निडल लगा के वापस निकाल लो जितना है। पूरा निकाल लेना, पूरा इसको निकाल के ये फिर हो गया काम। अब ये निडल है, ये लगभग 50 बकरों की है, ठीक। डोज है इसमें 50 ml का, तो एक एक ml लगना है। तो आपको बताते हैं एक एक ml कैसे लगाते हैं, ठीक है? ये जैसे सिरिंज को भर लिया मैंने, 5 ml भर लिया, ठीक है? तो अब हम एक एक ml 5 बच्चों को लगाएंगे, 5 जानवर को लगाएंगे। जिसका ये देखो, अब इसमें लगाने का ऐसा तरीका बता दो, जब बच्चे पकड़ा, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींचना, चमड़ी को खींचते हुए बंदा इसमें थोड़ा सा सिरिंज डाल के 1 ml कर डाल देना, ठीक है? 1 ml डाल के थोड़ा हिला देना, ठीक है? ये लगे ऐसे वैक्सीन सारे बच्चे को होगा, ठीक है? इतना वीडियो नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि एक से लगना मुश्किल है। जैसे एक और बताता हूँ, ठीक है, जानवर इसको ऐसे चमड़ी खींच के थोड़ा सा सिरिंज को अंदर थोड़ा सा पुश करके 1 ml छोड़ देना, ठीक हो गया। ये इतना वैक्सीन लगाना, ठीक है? ऑफ करो भाई।